वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज तो आप हंस कर लॉटपॉट होने जा रहे हैं सुपर रोमांटिक कॉमेडी मूवी को देखकर जो 2018 में रिलीज हुई थी। बाकी मैं सोच रहा हूं कि आपसे इंट्रो कम ही दूं ताकि आप लोग पूरा फील ले पाएं, क्योंकि इंट्रो में काफी कुछ पता चल जा रहा है आपको। ओके, तो मूवी की शुरुआत में केट को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन है। वो एक सिंगल मदर है और बड़ी मुश्किल से अपनी तीन बेटियों को पाल रही होती है। साथ ही साथ वो एक पिज्जा शॉप में डिलीवरी का काम भी करती है और जब शिफ्ट हो जाती है ना उसके बाद हाउसकीपिंग का भी काम करती है। किसके लिए? अरे अपने बच्चों के लिए यार। उसका सपना है कि वो एक नर्स बने और इसके लिए वो वक्त निकाल कर पढ़ाई भी करती है। इतने सारे कामों के बीच बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है, नारी शक्ति दोस्तों। तो अभी वो पिज्जा डिलीवरी की गाड़ी में ही बच्चों को स्कूल से पिकअप करके अपनी माँ के घर पर छोड़ देती है और फिर अगले काम के लिए निकलती है। लेकिन एक दिन होता ये कि उसकी माँ कहती है कि मुझे थिएटर प्ले करने का चांस मिला है, ये मेरा सपना था बेटा, इसलिए तुम्हारे बच्चों की बेबी सिटिंग मैं अब नहीं कर पाऊंगी। हालात तो बेचारी केट पर एक के बाद एक करके मुसीबत खड़ी कर रहे होते हैं। अब वो जहाँ काम पे जाती है वहाँ बच्चों को भी लेकर जाती है। मशीन की तरह काम कर करके केट घर आती है और बच्चों को सुलाकर नर्सिंग एग्जाम के लिए पढ़ने भी लग जाती है। एक तरफ भाग दौड़ वाली ये लाइफ है तो दूसरी ओर हीरो को देखो जिसका नाम लियो है, उसकी लाइफ तो एक रही ज्यादा से ज्यादा है। उसकी लाइफ में मस्ती के अलावा कुछ है ही नहीं यार। पार्टीज, क्लब, एक्सपेंसिव याच, मौज मस्ती, ये सारी चीजों में बिजी रहता है। एक बार तो याच में वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है तो उसके पापा का कॉल आता है, पर वो कॉल को इग्नोर करके पार्टी में आराम से मशरूफ रहता है। दूसरी ओर उसके पापा फर्नांडो को दिखाते हैं जिसकी तबीयत थोड़ा खराब हो रही है। वो चाहता है कि उसके मरने से पहले वो अपनी कंपनी का कारोबार अपने बेटे लियो को सौंप दे। अब होता ये कि जब भी ऐसी नौबत आती है ना किसी को कुछ सौंपने का तो थोड़ा जलन तो होती है घर में एक दूसरे को, और होता यही है। ये सुनकर उसकी दोनों बेटियां जो लियो से छोटी हैं दोनों गुस्सा हो जाती हैं। बड़ी बेटी डेलिया तो कहती है कि लियो एक ही हफ्ते में आपके सारे पैसे पार्टीज में उड़ा देगा। पापा मुझे देखिए, मैं इस कंपनी को अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी समझती हूँ, इसके लिए कितना काम किया है मैंने, देखिए। और आपकी छोटी बेटी सोफिया ये चैरिटी का काम कर रही है, हम दोनों मिलकर इस कंपनी को तरक्की से रास्ते पर लेकर जाएंगे पापा। और आप हैं कि लियो को अपना वारिस कह रहे हैं। पर दोस्तों फर्नांडो तो तीनों का पापा है ना, तो उसका दिल नहीं मानता और कहता है कि अपने भाई को ढूंढ लाओ फिर फैसला करते हैं। दूसरी ओर केट को दिखाते हैं जो पार्ट टाइम हाउसकीपिंग करती है, उसे लियो ने अपना याच साफ करने के लिए हायर किया होता है। एंड जब वो याच पर आती है तो लियो आराम से कपड़े बदल रहा होता है, तभी केट उसकी पीठ पर एक टैटू को देखती है और कहती है सॉरी मैं गलत टाइम पे आ गई। वो ड्रेस पहनकर केट से बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन फिर कहता है कि आपकी कंपनी आपको इतना घटिया यूनिफॉर्म क्यों देती है। इसी बीच लियो का दोस्त कोलिन आता है। लियो से कहता है कि यार तुमने जिस शेफ को यहाँ याच पे भेजा था वो बहुत ही बेस्वाद खाना बनाता है, उसको निकाल दो और शहर का सबसे बड़ा शेफ यहाँ पर लेकर आओ। कैट ये सारी बात सुन रही होती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। बाहर एक जकूजी होता है जिसमें लियो कुछ लड़कियों के साथ आराम से गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। इतने में उसकी बहन डेली आ जाती है। वो कहती है अरे सुनो पापा तुम्हें बुला रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन लियो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है ठीक है हम चलते हैं, लेकिन इस याच में ही चलेंगे, सड़क से जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ना, इसमें जाएंगे तो देर से पहुंचेंगे और तब तक शायद पापा की सांस से ही रुक जाए। देखा दोस्तों कैसा है ये। और आगे कहता है और सांसें रुक गई तो मैं कंपनी का ओनर बन जाऊंगा। हाँ वैसे मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ मेरी ये फेस वैल्यू रहेगी, कंपनी का काम तुम और सोफिया संभाल लेना। अब उसकी उठपटांग बातें डेलिया को और गुस्सा दिलाती है, लेकिन कोई रास्ता था भी नहीं उसके पास और उसको मानना ही पड़ता है कि चलो ठीक है याद से ही चलते हैं। फिर वो भी याद के कमरे में सेटल हो जाती है। यहाँ केट काम खत्म करने वाली होती है कि लियो से फ्रिज से जूस लाने को कहता है। केट कहती है देखिए वो मेरा काम नहीं है, खुद जाकर ले आओ, मैं सिर्फ सफाई करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ मैं। और इस पर क्या था दोस्तों, लियो को गुस्सा आ जाता है बिल्कुल। वो अपना रौब दिखाते हुए कहता है कि अच्छा तुम्हें काम के एक भी पैसे नहीं दूंगा मैं, और तुम हो कौन, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसकी इंसल्टिंग बातें दोस्तों केट सह नहीं पाती और चिल्लाती है कि तुम्हें पता है पैसों की अहमियत क्या होती है, तुम खुद आलसी आदमी हो और अपने बाप के पैसे उड़ा रहे हो समझे, मेरी तरह जिस दिन मेहनत करोगे तब तुमको पता चलेगा कि लाइफ क्या होती है। इसी बीच होता ये कि याच आराम से चलने लग जाता है तो केट कैप्टन को आवाज देती है कि बोट रोक दो, पर वो तेज म्यूजिक सुन रहा होता है और केट की आवाज उसको सुनाई नहीं देती। यो कहता अच्छा तुम्हारी बहुत जबान नहीं चल रही है क्या, अब एक काम करो चुपचाप मेरी याच से निकल जाओ, को जा पानी में। केट भी कहती है मेरा पैसा दो और मुझे तट पर उतारो समझे, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन दोस्तों इस लियो को देखो, ये आराम से उसको पानी में धकेल देता है और उसका क्लीनिंग इक्विपमेंट भी पानी में फेंक देता है। बेचारी की हाउसकीपिंग वाली नौकरी भी चली जाती है और इक्विपमेंट के $3,000 भी उसको देने होते हैं, पर बेचारी के पास तो सिर्फ $42 ही होते हैं। फिर वो अपनी पिज्जा शॉप की ओनर से पैसे मांगती है जो उसकी थोड़ी अच्छी दोस्त भी है, लेकिन उसके पास भी इतने पैसे नहीं होते। यहाँ लियो ये रात भर मजे कर रहा होता है, बीच में वो थोड़ा प्रोटेक्शन ढूंढता है तो पूरे याच में घूमने लग जाता है कहाँ रखा हुआ है। एंड एक जगह उसको प्रोटेक्शन मिल भी जाती है तो वो बड़ा खुश होकर वापस कमरे में आ जाता है। नशे में वो डेक पर जाता है तो वहाँ पर डगमगा कर गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे याद को पकड़ कर लड़खड़ाने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है, पर उसका फ्रेंड कोलिन वो तो नए शेफ को काम समझाने में बिजी होता है। याद का कैप्टन भी बहुत तेज म्यूजिक में सुन रहा होता है,
डेली अभी बंद केबिन में फोन पर बिजी होती है, इस वजह से कोई भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाता। फिर क्या था, गई भैंस पानी में, मतलब लियो गिर जाता है पानी में। अगले सीन में लियो बीच पर पड़ा होता है, उसकी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी थी। वो कौन है, यहाँ पर कैसे आया, उसको कुछ भी याद नहीं होता। लियो उसी ड्रेस में शहर में घूमने लग जाता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन अब उसको कुछ याद नहीं है तो वो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर भी उससे कई सवाल करते हैं लेकिन उसे कुछ याद आए तब ना। मगर उसका जो ये रही ज्यादे वाला एटीट्यूड है ना, ये भाई वैसा का वैसा ही होता है। वो डॉक्टर को पकड़ कर चिल्लाता है कि अपनी बकवास बंद करो। यहाँ दिखाते हैं तो डेलिया को किसी तरह पता चलता है और वो हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर कहता है कि देखिए उसे कुछ याद तो नहीं है, इसलिए आप खुद ही देखकर बताइए कि यह आपका भाई है या फिर कोई और। अब ये सुनकर डेलिया बड़ी खुश होती है कि वाह, अब कंपनी को उसके हाथ से कोई नहीं निकाल सकता, मतलब कंपनी उसी की होगी। किसकी, डेलिया की यार। वो भी लियो को देखकर डॉक्टर से कहती है कि ये मेरा भाई नहीं है सर, कोई और है ये तो। फिर वो एक क्रेमेटोरियम में जाकर कुछ पैसे देती है और बदले में किसी और की अस्थियां खरीद लेती है। उसे फिर फर्नांडो के पास लेकर जाकर कहती है कि पापा भाई मर गया, लियो भाई मर चुका है, ये उसकी अस्थि है। बड़ी एक्टिंग करती है वहां पर। और फिर क्या था, फर्नांडो और सोफिया दोनों उस पर विश्वास कर लेते हैं। साथ ही साथ फर्नांडो कंपनी की जिम्मेदारी अब डेलिया को दे देता है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो केट की हालत बहुत बुरी से, मतलब बुरी क्या, बदतर हो चुकी है। घर का रेंट ना देने की वजह से घर खाली करने का उसको नोटिस भी आ जाता है। इसी बीच वो न्यूज में पढ़ती है कि लियो की मेमोरी लॉस हुई है। केट की फ्रेंड कहती है ये अच्छा मौका है, उसने तेरे साथ जो किया ना तो उसका बदला ले ले, उसे काम कर अपना पति बना ले और उसे तब तक मेहनत करवा जब तक वो तेरे पूरे पैसे ना चुका दे। केट को ये सब कुछ वैसे तो गलत लगता है लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड की बात मान लेती है। फिर वो एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करवा कर हॉस्पिटल जाती है एंड केट लियो को अपना पति बताती है। तो वो भी कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आया था तो उसकी पॉकेट में सिर्फ एक ही चीज थी, कहकर वो केट को प्रोटेक्शन दिखाते हैं। ये देखने के बाद तो केट फैसला कर लेती है कि भाई इतने घटिया आदमी को तो मैं नाम के लिए भी पति ना बनाऊं कभी। पर उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि अरे तुम उसे पति मत बनाओ लेकिन अपने और अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोचो, उसे तुम अपने घर का नौकर समझ कर रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तुम्हारे बच्चों की देखभाल ही करेगा और पैसे भी कमाएगा। तुम आराम से नर्सिंग की पढ़ाई कर लेना फिर, और जब तुम्हें नर्सिंग की जॉब मिल जाए तो उसको निकाल देना आराम से, बहुत सिंपल है। केट भी समझ आती है दोस्तों कि उसे पैसों की तो वैसे सख्त जरूरत है, जिसके लिए उसे दो जॉब्स करनी पड़ रही है, और अगर वो ऐसा करती है तो सारे काम लियो करेगा, वो आराम से मस्त पढ़ाई करेगी अपनी मेडिकल के लिए। फिर वो थोड़ी एक्टिंग करती है और लियो को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी, बच्चे तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। वैसे लियो को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं उसके, लेकिन केट ने तो डॉक्टर तक को विश्वास दिला दिया था, तो लियो को केट के साथ जाना ही पड़ता है क्योंकि उसे कुछ याद तो था नहीं। अब केट ने ना बच्चों को भी बखूबी ट्रेन किया था। लियो को देखते ही दोनों लड़कियां अपने पापा पापा कहकर उस पर लिपट जाती है, लेकिन बड़ी लड़की को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, वो लियो के पास भी नहीं भटकती। अब लियो पूछता है वो मेरी बेटी नहीं है क्या, और है तो मुझसे मिल क्यों नहीं रही। केट भी थोड़ा एक्टिंग करती है कि यार टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अब लियो एक और चीज पूछता है कि यार मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरी बेटियां हैं लेकिन मेरी शक्ल तो किसी से मिल ही नहीं रही, ये कैसे हो सकता है। केट उसे फिर उल्लू बना देती है कि ये देखो देखो इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह, खूबसूरत आंखें एकदम तुम पर गई हैं, और तुम ही तो इस घर को चाहते थे, जब से तुम लापता हुए तब से घर चलाने में मुझको बहुत मुश्किल हो रही थी, अब तुम आ गए तो घर में तुम्हारी कमाई आएगी, घर की हालत भी ठीक हो जाएगी और मैं नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन भी कर लूंगी। लियो चौंककर पूछता है क्या, मैं नौकरी करके घर चला रहा था। केट कहती है अरे हाँ तुम नहीं तो कौन। हाँ केट तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मर्द नौकरी नहीं करेगा तो कौन करेगा। नहीं नहीं सिर्फ नौकरी ही नहीं, घर का काम, रसोई, बच्चों को संभालना सब तुम ही तो कर रहे थे पहले, मैं तो पढ़ाई कर रही थी उस समय, लेकिन जब तुम गए तो तब मैंने थोड़ा ये काम संभाला, अब तुम दोबारा आ गए हो तो मैं वापस से अपनी पढ़ाई करूंगी। और दोस्तों ये कहकर केट सारा काम लियो के ऊपर थोप देती है। उसी रात से वो पकाना शुरू कर देता है। पकाता, अरे खुद पक रहा होता है बेचारा, सब कुछ ऊपर नीचे गिरा कर जैसे तैसे पास्ता बना ही लेता है, जिसको सब मिलकर खाते हैं लेकिन बड़ा बेकार होता है। अब रात को केट बच्चों को सुला रही होती है तो उसकी बड़ी बेटी कहती है अब तो नया बेबीसिटर आ गया है तो इन दोनों बच्चों को उनके पास क्यों नहीं रख देती माँ आप। केट कहती नहीं 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 वो उतना अच्छा आदमी नहीं है जितना दिखता है, अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो पता नहीं क्या करेगा वो, इसीलिए इन दोनों को तुम ही देख लेना। फिर लियो केट को बेडरूम में बुलाता है। केट घबरा जाती है कि इसके साथ एक कमरे में, नहीं नहीं कभी नहीं। ये सोचकर वो बहाना करती है कि तुम बहुत ज्यादा शराब पीते थे जिस वजह से तुम थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि 30 दिन तक अगर तुम शराब नहीं पियोगे तो फिर हम इंटीमेट हो पाएंगे। कहकर वो लियो को गार्डन में एक शेड में सोने की जगह दे देती है और कहती है कि रात को सुसु आए तो इस बॉटल में कर लेना, घर मत आना। अगले दिन केट उसे अपने फ्रेंड के पति की कंस्ट्रक्शन
कंपनी में काम दिला देती है। एंड केट की फ्रेंड ने भी अपने पति को पूरा प्लान समझा दिया था। वो लियो को ले जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, वहाँ पर काम देता है। अब दूसरे वर्कर्स लियो का हाथ देखकर मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा हाथ तो एकदम मुलायम है, इतने कोमल हाथों से मेहनत अच्छी नहीं लगती। लेकिन दोस्तों कहते तो है वो, लेकिन काम उसको बड़ा कठिन से कठिन देते हैं। लियो की समझ में भी नहीं आता कि इतना मुश्किल काम लोग करते कैसे है, क्या मैं पहले भी ये करता था, पता नहीं कैसे क्या करता था मैं। बेचारा दोस्तों बड़ी मेहनत करता है लेकिन एक चीज भी ढंग से नहीं कर पाता। उसके रंग ढंग देखकर तो सभी हंस पड़ते हैं उस पर। और जिस तरह पहले लियो अपने वर्कर्स को डांटता और इंसल्ट करता था, उसी तरह एक और अमीर आदमी लियो को डांटने लग जाता है कि ठीक से काम करो वरना पैसे नहीं मिलेंगे। दिन भर काम करके लियो थका हारा घर आता है तो केट उसको एक लंबा लिस्ट पकड़ा देती है कि जाओ ये चीज खरीद कर लेकर आओ। अरे हाँ हाँ, हमेशा तुम ही तो सामान लेकर आते थे, जाओ जल्दी जाओ। लियो भी उसको सच मानकर डिपार्टमेंटल स्टोर चला जाता है। इस बार वो थोड़ा पढ़ाई भी करता है कि पास्ता के साथ कौन सा सॉस थोड़ा टेस्टी लगता है, फिर पास्ता खरीद कर लेकर आ जाता है। रात को वाकई गजब का पास्ता बनाकर खिलाता है भाई। लड़कियों को भी उसकी खूब तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन केट उन्हें इशारा करती है कि ओवर एक्टिंग करोगे तो सब पकड़ी जाएंगे समझे। लियो भी धीरे धीरे काम सीखने लग जाता है और बहुत मेहनत और लगन से सब कुछ करता है। इसी बीच केट भी अपनी पढ़ाई जारी रखती है। दूसरी ओर लियो अपने साथियों को अपना दुखड़ा सुना रहा होता है कि यार ये भी कोई जिंदगी है, दिन भर यहाँ पर काम करो फिर घर जाओ तो मेरी बीबी मुझे घर का सारा सामान पैक करवाती है, सारा काम करवाती है, मुझे एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है, वो क्या करूँ मैं जिंदगी में। एंड तब उसके साथी समझाते हैं कि तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, जब तुम घर जाते हो तो तुम्हारी बीबी तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। सोचो अगर तुम्हें खाली घर मिले जहाँ पर तुम्हारा कोई परिवार ना हो, क्या तुम जी पाओगे? नहीं जी पाओगे ना। इसलिए लाइफ में कोई अपना हो जिससे तुम प्यार करो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। तुम उनके लिए जो कर रहे हो उसको बोझ मत समझो, बल्कि उनके लिए जो भी कर रहे हो प्यार से करो, खुशी से करो, तब तुम्हें जिंदगी स्वर्ग लगने लग जाएगी। एंड लियो भी अपनी सोच बदलने की कोशिश करता है और एक दिन केट के लिए योगर्ट खरीद कर लेकर जाता है। केट को बड़ा पसंद आता है वो भी सोच में पड़ जाती है कि इसे हो क्या गया है, इतना प्यार कहां से उमड़ गया इसके अंदर। लेकिन वो उसको ले लेती है, किसको, योगर्ट को। दूसरी ओर मेक्सिको में लियो की छोटी बहन सोफिया अपने पापा के पास होती है। वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि उसका भाई मर चुका है, वो अब भी अपने भाई की याद में रो रही होती है। तब नीचे वो उस क्लश जैसे जार को देखती है जिसमें डेलिया लियो की अस्थि लेकर आई थी। कलश के नीचे उस क्रिमेशन एजेंसी का नाम होता है। वो तुरंत उनको कॉल करके पूछती है तो वो कहते हैं कि इस नाम का तो कोई भी आदमी यहाँ पर आया नहीं, मतलब किसी की लाश यहाँ पर आई नहीं और ना ही ऐसे किसी नाम के बंदे का क्रिमेशन हुआ है। और अब हो जाता है सोफिया को शक शुरू। वो कई लोगों को कॉल करती है, वो कॉलिन से भी पूछती है लेकिन वो कहता है कि लियो गायब है, उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। सोफिया पुलिस को भी इन्फॉर्म कर लेती है। इसी बीच इनके पापा फर्नांडो जो बहुत बीमार थे वो ठीक हो जाते हैं, बेटियां बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी ओर लियो के लिए आज बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि भाई को तनख्वाह मिलने वाली है और वो सोचता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर जाऊं। यार ये तो सच में बदल गया है। वहाँ केट की सबसे छोटी बेटी साइकिल से गिर गई थी। लियो भी कहता है कि बेटा डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आया, कहकर वो सामान रखने घर में जाता है। वहाँ बड़ी बेटी कहती कि पापा मुझे स्विमिंग पूल जाना है, आप प्लीज दोनों बहनों का ख्याल रखेंगे क्या? वो कहते हैं अरे हाँ हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है क्या, मेरी बेटी है वो, तुम जाकर एंजॉय करो, जाओ मैं बाप हूँ उसको देख लूंगा। एंड वो भी जाकर स्विमिंग पूल में खूब एंजॉय करती है। केट भी जब कहीं काम से घर आती है तो उसको देख लेती है और डांट फटकार कर घर लेकर आती है। यहाँ घर पर देखते हैं तो बाकी दो बेटियां लियो के साथ बड़े मजे से खेल रही होती हैं। लगता है इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। अब केट लियो को भी डांटती है कि तुमने इसको स्विमिंग पूल में जाने क्यों दिया। लियो कहता है अरे देखो वो बड़ी हो गई है, उसे जो अच्छा लगता है उसे करने दो ना, कितनी रोक टोक करोगी तुम। अब केट के मुंह से निकल जाता है कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, समझे। बेचारा ये सुनकर लियो को बहुत बुरा लगता है और कहता है अरे तुम क्या कह रही हो, वो मेरी भी तो बेटी है और मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को खुश रख पाऊँ। देखो आइंदा ऐसी बात मत करना प्लीज। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है और सीधे पहुंच जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में, जहां लोग शराब छोड़ने के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। यहां केट फ्रिज खोलती है तो उसमें लियो ने केट और बच्चों की पसंद के सारे फूड आइटम्स स्टॉक करके रखे होते हैं। केट का दिल ना यहां से थोड़ा पिघलना शुरू हो जाता है और उसे बुरा भी लगता है कि वो लियो के साथ कितना बुरा कर रही है। लियो भी घर लौटता है तो केट से माफी मांगता है। केट कहती है देखो तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी थी। एंड दोस्तों इस तरह बातों ही बातों में इनके बीच सुलह हो जाती है। लियो कहता है कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पिज्जा डिलीवरी का काम मैं खुद देख लूंगा, तुम चिंता मत करो और बस पढ़ाई पे लगी रहो 24 घंटे। वो खाना पकाते पकाते केट से बात कर रहा होता है और गलती से अपना हाथ काट लेता है। केट फिर उसके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांधती है। लगता है केट को अब लियो पसंद आने लग गया है। अगले दिन से लियो पिज्जा भी डिलीवर करता है और फिर जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट बैग्स भी उठाने का काम करता है। वो चिढ़कर कहता है कि यार इतने बड़े बड़े बैग्स कौन उठाता है, छोटे बैग्स बनाते तो कितना आसान होता। असल में दोस्तों कॉमेडी की बात तो यह है कि इस सीमेंट कंपनी का ओनर खुद लियो ही है, लेकिन याददाश्त नहीं है ना उसकी, क्या करे बेचारा।
काम के बीच वो बच्चों के साथ भी वक्त बिताता है। वो बड़ी बेटी को स्विमिंग पूल लेकर जाता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि लड़के उसके साथ गलत बातें कर रहे हैं तो वो उसको बहुत एडवाइस देता है कि बेटा ऐसे लड़कों को कैसे सामना करना चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो काफी सारी चीजें उसको बताता है। वो भी रो पड़ती है कि पता है पापा, आज तक मम्मा मुझे सिर्फ डांटती है कि ये मत करो वो मत करो, मुझे इस तरह किसी ने नहीं समझाया कभी। एंड फिर वो यहाँ से दोस्तों लियो को अपना पापा मानने लग जाती है। छोटी बेटी गेम खेलती है तो वो उसको भी चेयर करता है। फिर सब मिलकर साइकिल पर आराम से घर आते हैं, मतलब बच्चे इसके साथ बड़े खुश रहते हैं। दूसरी ओर केट अपना नर्सिंग का एग्जाम भी बढ़िया दे देती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरा एग्जाम तो हो गया, अब मैं लियो को सच बताने जा रही हूँ, सही है क्या? लेकिन जब वो घर आती है तो देखती है कि तीनों लड़कियां लियो के साथ बहुत क्लोज हो चुकी हैं, इसलिए वो माहौल को अब टेंस नहीं बनाना चाहती और सच नहीं बताती। लेकिन फिर वो एक और झूठ कहती है कि पता है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। लियो की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, वो सबको बाहर लेकर जाता है और वो बड़ा एंजॉय करते हैं। फिर दोनों अकेले में थोड़ा वक्त बिताते हैं तो लियो कहता है कि जब एक बोट को दूसरे बोट से मिलना होता है तो वो 3 बार हॉर्न बजाता है, तब दूसरा बोट समझ जाता है कि उसे उसका साथी मिल गया। केट उसकी बात पर हंसती है और देखते देखते रोमांस इनका हो जाता है शुरू एंड धीरे धीरे वो हो जाते हैं इंटीमेट। अगले दिन लियो काम पे जाता है जहां इन्होंने एक खूबसूरत बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया था। इस बात पे सारे वर्कर्स बड़े खुश होते हैं। लियो घर आकर सबको शॉपिंग करने के लिए लेकर जाना चाहता है, लेकिन केट नर्सिंग एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रही होती है। लियो कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ही चीजें खरीद कर लेकर आ जाता हूँ, कहकर वो कार में बैठता है। एंड तब उसके हाथ में वो एनवलप लगता है जिसमें प्रोटेक्शन का स्ट्रिप था। केट को हॉस्पिटल के स्टाफ ने कवर दिया था कि ये लियो के पास था। एंड उसको देखकर लियो को ये लगता है कि केट उसको धोखा देकर किसी और से मिल रही है और गलत हरकतें कर रही है। वो केट से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या किसी से? अब केट उसको सच बताने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहता। केट भी साफ साफ बच्चों से कह देती है कि बेटा तुम उस आदमी को बता दो कि वो तुम्हारा पापा नहीं है। लेकिन बेटियां तो पासा ही पलट देती हैं कि क्या कर रही है मम्मी, वो तो हमारे पापा हैं, हमारे प्यारे पापा। असल में दोस्तों ये तीनों लड़कियों को लियो से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है और वो उससे अब अलग नहीं होना चाहती। केट की भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। तब मामले की संगीनता को समझकर केट की फ्रेंड लियो से कहती है कि ये प्रोटेक्शन मैंने खरीद कर केट की कार में रखा था, असल में अफेयर केट का नहीं मेरा किसी और के साथ चल रहा है, मैंने एक्चुअली अपने पति से छुपाने के लिए इसे केट की कार में रख दिया था। तब जाकर लियो चैन की सांस लेकर कहता है कि आपका अफेयर चल रहा है ये ठीक नहीं है। हाँ पर मुझे क्या मतलब, ऐसे भी मुझे तो अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, कहकर वो केट को गले लगा लेता है। इस तरह केट को उसकी फ्रेंड दोस्तों इस बार बचा लेती है, लेकिन केट बड़ी टेंशन में होती है कि जब इसको सच पता चलेगा तो इस पर क्या बीतेगी। इतने में देखते देखते केट का रिजल्ट भी आ जाता है और वो अच्छे रैंक से पास भी हो चुकी थी। सभी बीच पर जाकर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। तभी एक आदमी आता है जो पहले लियो की याच पर काम करता था। वो लियो को देख लेता है और उसकी फोटो क्लिक करके सीधे भेजता है कोलिन को। कोलिन तुरंत फर्नांडो को बताता है कि लियो जिंदा है। उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं होता और वो सभी लियो को लेने के लिए याच लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ लियो सबके सामने केट से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ना याद नहीं आ रहा है कि हमारी शादी कैसे हुई थी, लेकिन छोड़ो मुझे, मैं आज तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, मतलब, कहकर वो केट को प्रपोज करता है और केट भी हाँ कर देती है। सभी बड़े खुश होते हैं और वहां पर रात बिताते हैं। अब अगले दिन जब लियो केट और बच्चे घर आते हैं तो वहां पर लियो का परिवार आ जाता है। ओहो, उनको देखते लियो को कुछ कुछ याद आने लग जाता है और उनसे बात करने के बाद उसको सब कुछ क्लियरली याद आ जाता है। सच जानकर तो वो टूट जाता है और केट से पूछता है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। केट उससे माफी मांगती है पर वो बिना कुछ कहे कार में बैठ जाता है। लड़कियां बहुत रोती हैं कि पापा प्लीज मत जाओ, लेकिन लियो दिल पे पत्थर रख कर वहां से चला जाता है। वो अपने याच में लौट रहे होते हैं तो फ्रेंडो कहता है कि बेटा अब तुम मिल गए हो तो कंपनी भी तुम ही संभालोगे। लियो कहता है कि वो सब तो मैं देख लूंगा, लेकिन डेले कंपनी के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है तो मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास वैसे कंपनी के लिए बहुत सारे प्लान है, हमें सीमेंट बैग्स को छोटा कर देना चाहिए ताकि उन्हें उठाने में वर्कर्स को ज्यादा तकलीफ ना हो और उनकी पीठ सही सलामत रहे। डेले कहती है तुम कंपनी नहीं चला पाओगे, लेकिन लियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और किचन में जाता है। तब उसे याद आता है कि वो अपने वर्कर्स के साथ कितना बुरा सलूक करता था। तब वो कोलिन को बताता है कि यार मैं ना बहुत ही चीप किस्म का आदमी था, मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया, सच में यार मुझे लगता है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि मैं ये सब कुछ वैसे भी अपने पापा के पैसों पर कर रहा था, उन्हीं के पैसों पर सारी ऐश कर रहा था। तब कोलिन कहता है कि तुम पैसे वाले की जिंदगी भी जी चुके हो और एक सीधे साधे आदमी की लाइफ भी जी चुके हो, अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें कौन सी लाइफ ज्यादा पसंद है। लियो को पहले से केट और बच्चों की बड़ी याद आ रही थी और वो केट के साथ वाली लाइफ को चुनता है। दूसरी ओर केट भी लियो से अलग होकर बहुत दुखी होती है। वो अपनी माँ का एक प्ले देख रही होती है। प्ले में कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन केट एक बात समझ जाती है कि इस उम्र में भी माँ अपने सपने को गिव अप नहीं कर रही, वो वही कर रही है जो उसे अच्छा लगता है।
अब वो सोचती है कि जब मेरी माँ अभी भी कर रही है तो मैं क्यों छोड़ूं जो मुझे अच्छा लगता है। इसी फैसले के साथ वो अपने फ्रेंड की पति की बोट ले लेती है और उसमें वो लियो से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर लियो अपनी याच वापस मोड़ता है। फर्नांडो उसको डांटता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। लियो कहता है नहीं पापा, मुझे अपनी बीवी और बच्चों के पास जाना है। फर्नांडो तो उसको काफी सुनाता भी है, लेकिन डेलिया कहती पापा उसको जाने दीजिए, उसकी फैमिली है, वो जो करे करने दीजिए। एंड इनकी बहस के बीच तीन बार किसी दूसरे बोट का हॉर्न बजता है, मतलब केट का बोट लियो की बोट से मिलने आ रहा है। लियो भी तुरंत इशारा समझकर बाहर आ जाता है। केट और बच्चों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। इसी बीच फर्नांडो याच को फिर घुमा देता है। लियो चिल्लाता है कि वापस मोड़ो ना, पर फर्नांडो नहीं सुनता। लियो केट को देखकर चिल्लाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कहकर वो पानी में कूद जाता है। ये देखकर केट भी पानी में कूद जाती है और दोनों एक दूसरे की ओर स्विम करने लगते हैं। फर्नांडो तो लाउड स्पीकर पर लियो को वार्न करता है कि अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। लियो जरा भी नहीं सोचता और कहता है कि कोई बात नहीं, आप जहां देना चाहो अपनी जायदाद दे दो, मुझे तो बस केट के साथ ही रहना है, कहकर वो केट के पास पहुंच जाता है और उसको गले लगा लेता है। इस तरह वो फिर से मिल जाते हैं, इनका एक परिवार हो जाता है। एक दिन कोलिन इनके घर पर आता है और बताता है कि फर्नांडो ने वो बड़ा याच लियो के नाम कर दिया है। सब एक खुशी से उछलने लग जाते हैं क्योंकि ये याच की कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन उसे बेचने से पहले लियो केट के साथ उस याच पर शादी करता है, क्योंकि इसी याच पर दोनों पहली बार मिले थे। एंड फिर इसको बेचकर उनको करोड़ों मिल जाते हैं, जिससे इनकी लाइफ सेटल हो जाती है और अब केट का नर्स बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। दूसरी ओर डेलिया अब कंपनी वगैरह छोड़कर चैरिटी का काम करती है और सोफिया जो पहले चैरिटी करती थी वो अब कंपनी चलाती है। लियो और केट अपने परिवार के साथ बहुत खुश होते हैं एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। पहले बता दो दोस्तों, बहुत बढ़िया नहीं थी ये मूवी? मुझे तो बहुत मजा आया यार। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, बहुत जरूरी है ना ध्यान रखना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।